Hello student, today we see the numerical related to frequency modulation. Okay, problems related to FM. Okay, so see the first problem. The first problem is that in an FM system, if the maximum value of deviation is 75 kilohertz and the maximum modulating frequency is 10 kilohertz, calculate deviation ratio and the bandwidth of the system using Crescent's rule. Okay, so इसमें आपको क्या क्या दिया है, गिवन है, that is d max is equals to 75 kilohertz, that is deviation, frequency max दिया है आपको, इधर कितना दिया था 10 kilohertz. ओके, यहाँ पे दिया है लास्ट में 10 किलोहर्ट्ज़. सो इस पे से आपको क्या निकालना है, डेविएशन रेशियो. तो ऑलरेडी आपको डेविएशन रेशियो का फॉर्मूला पता है, प्रीवियस लेक्चर में देखा है, डेल मैक्स अपॉन एफ मैक्स. सो इन दोनों की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 7.5. ओके, तो डेविएशन रेशियो है इसलिए इसको यूनिट कुछ भी नहीं आएगा. ओके, नेक्स्ट निकालना है आपको बैंडविड्थ. सो बैंडविड्थ का भी आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज ट्वाइस ब्रैकेट डेल मैक्स प्लस एफ मैक्स. सो डेल मैक्स आपका पता है 75 और एफ मैक्स है 10. इसको हम पुट कर देंगे तो आएगा 170 किलोहर्ट्स. किलोहर्ट्स क्यों आया, क्योंकि आपके ये दोनों वैल्यू किस में है, दैट इज किलोहर्ट्स में है. ठीक है, सो द फाइनल आंसर इज डेविएशन रेशियो इज 7.5 and the system bandwidth is 170 kilohertz. okay, kilohertz क्यों आया, because ये दोनों भी kilohertz में हैं इसलिए. okay, so see the next problem. the next problem is that use Crescent's rule to compare the bandwidth that would be required to transmit the baseband signal with frequency range from 300 hertz to 3 kilohertz using normal band frequency modulation with maximum deviation दिया है यहाँ पे 5 kilohertz और wide band frequency modulation यहाँ पे maximum deviation है 75 kilohertz. okay, so आपको इन दोनों में से क्या निकालना है, दोनों use करके आपको निकालना है bandwidth. okay, bandwidth निकालना है, कंपेयर करना है इन दोनों के बैंडविड्थ. सो गिवन क्या है आपको, दैट इज़ द बेस बैंड सिग्नल फ्रीक्वेंसी रेंज, इट इज़ 300 हर्ट्स टू 3 किलोहर्ट्स. ओके, सो जो बैंडविड्थ है फॉर जो नॉर्मल नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, उसका जो डेल मैक्स है वो कितना दिया है आपको 5 किलोहर्ट्स. ओके, यहाँ पे डेल मैक्स कितना है 5 किलोहर्ट्स. यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सॉरी बैंडविड्थ निकालना है, तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, ट्वाइस डेल मैक्स प्लस एफ एम. तो ऑलरेडी आपका जो डेल मैक्स है वो कितना है 5 किलोहर्ट्स है, और एफ कितना है, दैट इज 3. एफ मीन्स दैट इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 3 किलोहर्ट्स. तो यहाँ पे कितना आएगा 3, और डेल मैक्स आया 5. सो ये सब पुट करने के बाद कितना आएगा, 10^3 मीन्स क्यों लिखा है हम लोगों ने, बिकॉज 3 किलोहर्ट्स है. ओके, 3 किलोहर्ट्स है, किलो का हम लोग लिखते हैं 10^3. सो आंसर कितना आएगा आपका 16 किलोहर्ट्स. ओके, सो नेक्स्ट भी वैसे ही निकालना है आपको, सिर्फ डेविएशन रेशियो जो है, डेविएशन मैक्सिमम डेविएशन कितना लेना है अभी 75 किलोहर्ट्स लेना है. ठीक है, और बाकी जो है F सेम ही आएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. तो डेल मैक्स ले लिया 75, F ले लिया 3 किलोहर्ट्स. तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है इधर, दैट इज 156 किलोहर्ट्स. ओके, दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके, सो सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट व्हाट इज द बैंडविथ रिक्वायर्ड फॉर FM इन विच मैक्सिमम डेविएशन इज 5 किलोहर्ट्स and modulation index that is 3. Assume highest needed sideband are 6. Okay,
सो यहाँ पे गिवन क्या दिया है आपको, दैट इज डेल दिया है 5 किलोहर्ट्स, डेविएशन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दी है, सॉरी मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया है 3 किलोहर्ट्स यहाँ पे दिया था, और नंबर ऑफ साइड बैंड्स कितने दिए, 6 दिए हैं। तो आपको निकालना क्या है, बैंडविड्थ निकालना है, व्हाट इज़ बैंडविड्थ। ओके, सो सबसे पहले बैंडविड्थ का फॉर्मूला है आपका ट्वाइस एफ एम इंटू नंबर ऑफ साइड बैंड। तो इसके लिए आपको क्या पता रहना चाहिए, एफ एम। एफ एम अगर निकालना है तो मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है क्या है, डेल अपॉन मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ओके, सो इसमें हम लोग डेल पुट कर देंगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी पुट कर देंगे। क्या है डेल? 5, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है 3। सो आंसर क्या आएगा आपका, 1.667 किलोहर्ट्स। तो इस पर से हम लोग क्या, आपका एफ एम निकल जाएगा, बाद में बैंडविड्थ के फॉर्मूले में रख देंगे, एफ एम है, बाद में नंबर ऑफ साइड बैंड भी पता है, तो आपका जो बैंडविड्थ आएगा वो आएगा 20 किलो हर्ट्स। ओके, इन दिस वे वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, सो थैंक यू।